हेलो दोस्तों, डिफेंस फाइटर में स्वागत है। आज की इस वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहेगा दोस्तों। वीडियो को बीच में स्किप नहीं कीजिएगा दोस्तों, नहीं तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा दोस्तों। एक भाई ने बोले, तेज राम भाई ने बोले कि लाठी की लंबाई कितना चाहिए दोस्तों, वो भी मैं बता देता हूँ। लाठी की लंबाई 5 फीट चाहिए दोस्तों। अगर ज़्यादा बड़ा रहेगा दोस्तों तो लाठी प्रैक्टिस करने में बहुत दिक्कत होगा, क्योंकि ज़मीन में सट जाएगा, आपको चोट भी लग जा सकता है दोस्तों, बहुत नुकसान हो जाएगा दोस्तों। इसलिए मैं बोलता हूँ कि पहला बेट ज़्यादा रहे लाठी, उससे प्रैक्टिस मत कीजिए, नहीं तो आपसे प्रैक्टिस नहीं होगा। पहला नंबर प्रैक्टिस के लिए आपको बगीचे से दोस्तों तोड़ना काटना होगा दोस्तों। काट के फिर आप बगीचे से ला के प्रैक्टिस कीजिए। जब परफेक्ट तरीके से आपको प्रैक्टिस हो जाए दोस्तों, तब आप घर पे प्रैक्टिस पूरा कीजिए, फिर बेट वाला ज़्यादा कीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। पहले परफेक्ट तरीके से प्रैक्टिस कीजिए दोस्तों। दोस्तों अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो लाइक सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी को दबा दीजिएगा। अगर पुराने हैं मेरे चैनल पर तो लाइक कर दीजिएगा दोस्तों, लाइक और शेयर दबा के कीजिए दोस्तों। ज़्यादा समय नहीं लेते हुए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं दोस्तों। दोस्तों आज मैं बताने वाला हूँ दोस्तों कि सबसे खतरनाक टेक्निक दोस्तों कि एक लाठी लेके आप 10 लोगों को मार अकेला कैसे भगाएं दोस्तों। अकेला मार के भगा सकते हैं दोस्तों, अगर आपको घेर ले दुश्मन चारों बगल से तो आप क्या कीजिएगा दोस्तों। उसे आपको कोई चारा नहीं चलता, आपके पास अगर लाठी रह जाए दोस्तों, आप लाठी चलाने का टेक्निक जानते हैं दोस्तों परफेक्ट तरीके से, उसी तरीके से मैं बताने वाला हूँ दोस्तों। ध्यान से देखिए इस लेग को, पहला नंबर क्या कीजिएगा दोस्तों, देखिए पहला नंबर तो इस तरीके से एक हाथ को ये जो अथी है घुटना है दोस्तों, इस तरीके से लेना है, इस तरीके से ये सीधा रखना है दोस्तों, और इस तरीके से, और इस तरीके से कुछ गैप रहेगा, इस तरीके से लाठी घुमाने आपको नहीं बनेगा, इस तरीके से रखिएगा तो घुमाने बनेगा दोस्तों। फिर आपको चोट लग जाएगा ज़्यादा यहाँ रखिएगा दोस्तों, तो इस तरीके से आपको रखना, इस तरीके से रखना, देख लीजिए इस तरीके से ये दोस्तों, इस तरीके से दोस्तों रखना, फिर इस तरीके धीरे धीरे प्रैक्टिस करते जाएगा। फिर आगे वाला पैर है दोस्तों तो इस तरीके से फिर पीछे आएगा, ठीक ना दोस्तों। फिर इस तरीके से आपको करना है दोस्तों, इस तरीके से। फिर ये जितना आप स्लो मोशन कीजिएगा दोस्तों, पहला नंबर मैं बता देता हूँ कि अब जितना धीरे धीरे कीजिएगा उतना परफेक्ट तरीके से आपको प्रैक्टिस बनता जाएगा दोस्तों, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। परफेक्ट तरीके से कीजिएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा, तभी आप घुमा पाइएगा दोस्तों, और उतना लोगों को आम मार भगाइएगा दोस्तों, नहीं तो आपको कुछ भी नहीं आएगा समझ दोस्तों। लोग बोलता है कि लड़ाई में काम नहीं आता दोस्तों, ऐसा बात नहीं दोस्तों, हमको साथ बहुत हुआ ऐसा दोस्तों, हम मार भगाए दोस्तों, इस तरीके से करना है। अब परफेक्ट जितना तरीके से कीजिएगा, प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा बोलेगा कि लड़ाई में कोई काम नहीं आता, पूरा तरीके से प्रैक्टिस पहले कीजिए तभी आपको समझ में आएगा। धीरे धीरे जितना प्रैक्टिस करते रहिएगा उतना तरीका से आपको पूरा राम क्लियर से पूरा प्रैक्टिस करना है दोस्तों, कि आपको दिक्कत ना हो लड़ाई में कभी भी। इस तरीके से एक बार आप करके मैं दिखा देता हूँ, देखिए इस तरीके से, पहले मैं क्या बोला, इस तरीके से लिया, ठीक, इस तरीके से यहाँ पकड़ना है दोस्तों, और इस तरीके से, ठीक दोस्तों, अब इस तरीके से ये इस तरीके से लाना है दोस्तों, फिर इस तरीका से जो आगे वाला पैर है इस तरीका से ये, फिर ये इस तरीका से आपको मूव करना है, इस तरीके से, फिर जो पीछे वाला पैर है इस तरीका से आपको करना है। जब परफेक्ट तरीका से आपको बन जाए फिर इस तरीके से दोस्तों, ये देखिए मेरा स्पीड दोस्तों, इस तरीके से आपको करना है दोस्तों। मैं परफेक्ट तरीके से प्रैक्टिस करता हूँ तभी मेरा कोई दिक्कत नहीं लड़ाई में होता है दोस्तों, आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। तो इस टेक्निक को तो आपको समझ में आ गया दोस्तों किस तरीके से प्रैक्टिस करना है। लोग बोल, अगर आप बाइक चलाते हैं दोस्तों तो आप गियर चेंज करके करते हैं दोस्तों, किस तरीके से आपको बाइक चलाना है, कब ब्रेक मारे, कब गियर करे, कब क्लच डाबे दोस्तों, इस तरीके से ये, अगर परफेक्ट तरीके से आपको अगर प्रैक्टिस बना रहेगा दोस्तों तो आपको कोई टक्कर नहीं दे सकता दोस्तों। घर पर प्रैक्टिस कीजिए दोस्तों, जितना बेहतरीन प्रैक्टिस कीजिएगा आप कभी नहीं भूलेगा। अगर प्रैक्टिस हो जाए नहीं तो हफ्ता में 3 बार प्रैक्टिस कीजिए दोस्तों, आप कभी भी नहीं भूलिएगा। पहला रेगुलर आप प्रैक्टिस करते रहिए, कभी भी आप नहीं भूलिएगा दोस्तों। देख लीजिए एक बार आप करके मैं दिखा देता हूँ, इस तरीके से रखना जिस तरीके से मैं बताया हूँ दोस्तों, अपना के नहीं इतना, इस तरीके से ये
इस तरीके से ये पूरा मूव करना दोस्तों, हैंड को हार्ड नहीं करना है दोस्तों, जितना नॉर्मल रखिएगा उतना प्रैक्टिस बनता जाएगा दोस्तों, प्रैक्टिस कीजिएगा इस तरीके से। देखिए ये इस तरीके से, ये इस तरीके से करना है दोस्तों। अगर आप समझ में आ गया हो दोस्तों, अगर कौन टेक्निक अच्छा लगा तो कमेंट करके जरूर बताएं दोस्तों, किस टॉपिक पर आपको वीडियो बनवाना है दोस्तों, आप कमेंट करके जरूर बताएं, उसी टॉपिक पर मैं वीडियो बना कर लाऊंगा दोस्तों। अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और लाइक कीजिए, और सब्सक्राइब करना तो मत भूलिएगा दोस्तों, सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी को दबा दीजिएगा, तभी आपके पास नोटिफिकेशन आ सके। और लाइक कीजिएगा दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा जितना शेयर कीजिए दोस्तों में, दोस्तों आपको पूरी तरह से आपको प्रैक्टिस बनता जाएगा दोस्तों। अगर कोई भी दिक्कत है ऐसा सेल्फ डिफेंस रिलेटिव मैं लाता रहता हूँ दोस्तों। वीडियो को अंत करते हैं दोस्तों, और मेरा वीडियो शेयर और दबा के कीजिए, लाइक कीजिए दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, ऐसा वीडियो मैं लाता रहूँगा दोस्तों, कमेंट करके जरूर बताएं। जय हिंद, जय भारत।